सो हे गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट बैटल्स ऑफ फ्रीडा लाहोया के बारे में, यानी कि फ्रीडा लाहोया के कुछ ऐसे बैटल्स के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम थे एंड वो फ्री के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड एपिक बैटल थे। एंड जो फ्रीडा लाहोया है उसको तो आप सब जानते ही हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एपिक ब्लेडर है, एंड वो एक बार वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुका है। सो चलो यार बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 फ्री वर्सेस शू बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन। सो गाइज हम लोग प्रैक्टिकली इस बैटल को बैटल नहीं कह सकते क्योंकि यार इस बैटल में जो फ्री था उसने शू को काफ़ी आसानी से हरा दिया था, या कहो वन शॉट कर दिया था। एंडर हमें दिखाया भी नहीं गया था उनका बैटल क्योंकि ऑब्वियसली फ्री ने उसको एक दो सेकंड के अंदर ही हरा दिया था। आप सभी को पता होगा कि यार बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में फ्री कितना ज़्यादा बफ कर दिया गया था, यानी कि उस समय फ्री वर्ल्ड चैंपियन था एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। सो इसलिए यार उसने शू को काफ़ी आसानी से हरा दिया था। बट आई डाउट कि अभी अगर फ्री शू से लड़ता है तो वो शायद शू को नहीं हरा पाएगा, बिकॉज आपको पता होगा कि बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था शू अगर हम लोग देखें तो। सो दैट्स वाई यार ये वाली बैटल डिजर्व करती है नंबर 5 पे, क्योंकि यार ये फ्री की वन ऑफ द ईजीएस्ट बैटल थी। नंबर 4 फ्री वर्सेस आइगर बेब्लेड बस्ट टर्बो। सो गाइस इस बैटल के बारे में बात करें तो यार ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम बैटल थी। एंडर इस बैटल में फ्री ने आइगर को हरा दिया था, या कहूँ डार्क आइगर को हराया था। आप सभी को पता होगा कि यार बेब्लेड बस्ट टर्बो में जब जो आइगर है वो डार्क आइगर बन गया था तो यार वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। एंडर उस टाइम फ्री ने लाइक लिटरली डार्क आइगर को हरा दिया था, मतलब ऑब्वियसली जो आइगर था वो उस समय डार्क स्टेज के पहले पहले में ही था, बट स्टिल यार डार्क आइगर को हराना यार बड़ी बात है। एंडर फ्री ने बस अपना 20-30% पावर से डार्क आइगर को हरा दिया था। एंडर जो डार्क आइगर था आप सबको पता होगा कि उस समय उसने यार वॉल्ट को भी हरा दिया था, एंडर वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। सो दैट्स वाई यार ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, बिकॉज यार फ्री ने आइगर को इतनी आसानी से हरा दिया था जो कि उस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। सो यार ये बैटल डिजर्व होती है नंबर 4 पे। नंबर 3 फ्री वर्सेस वॉल्ट बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन। सो गाइस इस बैटल के बारे में बात करें तो यार फ्री इस बैटल में पूरा बर्सर्क हो गया था। एंड यार फ्री जो था वो इस बैटल को जीतना चाहता था, बट हम सभी को पता है यार कि नहीं जीत सकता फ्री, बिकॉज यार वॉल्ट उस समय का मेन कैरेक्टर था। सो यार फ्री को जो राइटर्स है वो कैसे ही जिताते। एंड मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि यार फ्री उस बैटल को आसानी से जीत जाता अगर हम लोग प्लॉट आर्मर को हटा दे, बट ड्यू टू प्लॉट आर्मर यार वॉल्ट को जिताना लाइक ज़रूरी था, बिकॉज उस समय आपको पता होगा कि जो शू था वो रेड आई बन चुका था। सो वॉल्ट ही लाइक शू को हराना चाहता था, दैट्स वाई यार जो राइटर्स थे उन्होंने लाइक फ्री को हरवा दिया, इतना तो हम लोग सह ही सकते हैं। सो यार इस बैटल में यार जो फ्री था वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम था, मतलब मेरे लिए तो ऑसम था। एंड यार ये बैटल काफ़ी ज़्यादा ऑसम था, बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन का वन ऑफ द बेस्ट बैटल था। एंड यार इस बैटल में यार फ्री ने वॉल्ट को लगभग हरा दिया था, बट ड्यू टू हिज आर्म इंजुरी ही उसने बैटल को छोड़ दिया। सो यार ये बैटल डिजर्व होती है नंबर 3 पे। नंबर 2 फ्री वर्सेस लुई बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन। सो गाइस इस बैटल के बारे में बात करें तो यार इस बैटल में फ्री पहली बार अपने बर्सक मोड में गया था, या कहूँ सीरियस हो गया था। एंड उसने सबको दिखा दिया था कि यार तुम सभी का बाप हूँ मैं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। सो दैट्स वाई यार जो फ्री था वो इस बैटल में काफ़ी ज़्यादा ऑसम तरीके से खेल रहा था। एंड इस बैटल को जब मैंने पहली बार देखा था मुझे तो यार बहुत पसंद आया था, बिकॉज यार ये बैटल में फ्री काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था एंड काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल मैच भी था ये। एंड यार लुई को भी पता चल गया था कि वो फ्री को अपने करंट स्टेट में नहीं हरा सकता। हम सभी को पता है कि यार लुई ने पहली बार फ्री को हरा दिया था, बिकॉज यार फ्री उस बैटल में लुई को हल्के में ले रहा था। एंड हम सभी को पता है कि यार लुई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, सो उसको यार फ्री जैसे ब्लेडर्स भी हल्के में नहीं लेने चाहिए। सो दैट्स वाई यार ये वाला बैटल काफ़ी ज़्यादा ऑसम था एंड फ्री इस बैटल को जीत भी गया था। सो यार ये बैटल आता है नंबर 2 पे। एंड फाइनली नंबर 1 फ्री वर्सेस 5 बेब्लेड बस्ट टर्बो। सो गाइस इस बैटल में आप सभी को पता है कौन हारा कौन जीता, मुझे बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यार ये बैटल काफ़ी ज़्यादा ऑसम था। एंड यार इस बैटल में जो फ्री था वो लास्ट बार अपने सीरियस मोड में गया था। एंड यार उस बार से यार हमें कभी भी
फ्री का जो बर्सक मोड था वो नहीं दिखाया गया था, बेब्लेड बस पार्किंग में भी नहीं दिखाया गया था एंड बेब्लेड बस डायनामाइट बैटल में भी नहीं दिखाया गया था। तो यार ये बैटल फ्री की सबसे ज़्यादा एपिक बैटल थी एंड भले ही फ्री इस मैच को हार गया हो बट यार स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम बैटल थी। एंड यार प्लॉट आर्मर को हटा दे तो फ्री जीत जाता बट फाई यार क्या ही बोलूँ, उसके पास डार्क पावर था सो दैट्स वाई वो फ्री से जीत गया था। सो यार ये बैटल डिजर्व करता है नंबर फर्स्ट पे। तो हाँ यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है सो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।